महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल के पहले सीजन यानी साल 2008 से ही जुड़े हुए हैं। वो तब से टीम की कप्तानी कर रहे हैं और अपनी कप्तानी में उन्होंने इस टीम को आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक बनाया। रांची का ये क्रिकेटर आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते नजर आ सकते थे अगर पहली नीलामी के वक्त कुछ निश्चित नियम नहीं होते तो। आईपीएल के पहले सीजन की नीलामी में मार्की प्लेयर अपने अपने होम फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े थे। सौरभ गांगुली केकेआर के साथ, सचिन तेंदुलकर मुंबई के साथ, सहवाग दिल्ली के साथ, तो वहीं धोनी की कोई होम टीम नहीं थी, लेकिन उन्हें खरीदने की सभी फ्रेंचाइजी की दिलचस्पी थी। मुंबई इंडियंस भी एमएस धोनी को अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी, जिन्होंने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप खिताब की अपनी कप्तानी में भारत के लिए एक शानदार यादगार पल दिया था। लेकिन उन्होंने पहले सचिन को 1.65 मिलियन में खरीदा था और इसकी वजह से ही वो धोनी को खरीद पाने में कामयाब नहीं हो पाए। एन श्रीनिवासन ने कहा कि ये अंक गणित की बात है कि पंजाब युवराज को, दिल्ली सहवाग को मुंबई सचिन के बिना खुद की कल्पना भी नहीं कर सकता था और सचिन किसी और के लिए कैसे खेल सकते थे। श्रीनिवासन ने ये भी बताया कि यूवी सहवाग, सचिन, गांगुली जैसे खिलाड़ियों के लिए उनकी राज्य फ्रेंचाइजियों ने नीलामी में सबसे ज्यादा भुगतान करने वाले खिलाड़ियों की तुलना में भी 10% ज्यादा दिए। वहीं मैं इस बात को लेकर पूरे तरीके से साफ था कि मुझे धोनी को टीम में लाना है। फ्रेंचाइजी को नीलामी में $5 मिलियन ही खर्च करने की अनुमति थी। मुंबई ने पहले ही तेंदुलकर को 1.65 करोड़ अमेरिकी मिलियन डॉलर में खरीद लिया था, इसलिए वो धोनी के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च नहीं कर सके। दूसरी ओर सीएसके के पास एक भी मार्की खिलाड़ी नहीं था जिसके लिए उन्हें 1.65 मिलियन का भुगतान करना था। इसने उनके पक्ष में काम किया क्योंकि उन्हें इसके बदले 1.5 मिलियन अमरीकी डॉलर में धोनी मिले। बड़ी बात यह रही कि उसके बाद धोनी की टीम रजिस्टर हुई और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को टीम का कप्तान बनाया गया, क्योंकि उस दौरान चेन्नई का कोई भी लोकल प्लेयर ऐसा नहीं था जो टीम का कप्तान बन सकता था। शायद यही वजह थी कि धोनी की किस्मत में चेन्नई और चेन्नई की किस्मत में धोनी लिखे थे। यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आ गया। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।